अब पटियाल देश में बढ़ते बुलडोजर न्याय का परीक्षण करेगा। पिछले कुछ दिनों से देश में एक भावना बन गई है कि गवर्नेंस का मतलब बुलडोजर। सरकार को लगता है कि बुलडोजर चला दो तो जनता को ऐसा लगेगा कि सरकार काम कर रही है। आज देश के दो राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, पहला महाराष्ट्र और दूसरा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र के ठाणे में धड़ल्ले से चल रहे पब और बार पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां नशा बांटने वाले पब और बार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पुणे में ड्रग्स केस के बाद एकनाथ शिंदे को ये शिकायतें मिली थी कि ठाणे में और उसके आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से बार और पब चलाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पब और बार के सहारे यहां ड्रग्स भी बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही महाराष्ट्र सरकार को मिली, सीएम एकनाथ शिंदे ने यहां अवैध रूप से चल रहे बार को तोड़ने का आदेश दे दिया। और दूसरी तस्वीर कोलकाता की है। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने एक अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की चपेट में बीजेपी ऑफिस भी आ गया है, उसे तोड़ दिया गया है। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।